मॉर्निंग गाइस, आप सभी लोगों को वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज है 28 नवंबर और 7:35 हो चुके हैं। और अब आपको एक चीज़ बताऊंगा, बहुत फनी चीज़ है एक्चुअली। आप लोग ना हमारे एक सूट का जो ब्लू वाला छोटा सा अमेरिकन टूरिस्टर का, उसका हम लोग पासवर्ड भूल गए, सच में पासवर्ड भूल गए। फिर उसके बाद हम लोग कितना ट्राई किए, लाइक ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट्स ट्राई किए, लेकिन नहीं खुला। फिर पापा ने क्या किया, वो अपना जो पासवर्ड था जो हम लोग पहले रखते थे उसमें एक और डिजिट डाल दिया और खुल गया। मतलब मैं इतना शौक हूँ कि एक डिजिट के लिए इतना चेंज हो गया। आई थिंक सो पापा रोटेट कर लिए होंगे तो गलत हो गया होगा, कोई बात नहीं। तो अभी हमें जल्दी से निकलना है, हमारा 10:45 को फ्लाइट है और हम लोग लेट उठे थोड़ा, कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे मम्मी और ईशु तैयार हो, मम्मी और ईशु तैयार हो रही है जल्दी से। मम्मी तो हाफ तैयार हो गई और ईशु तैयार हो गई और ईशु रो रही है। ईशु क्यों रो रही हो? एक्चुअली इसको पापा से बहुत प्यार है और ये इमोशनल बहुत है, इसलिए ये रोने लगती है। अभी रो रही है और घर पे जाके और रोएगी, कोई बात नहीं। पापा भी आएगी क्रिसमस पर, फिर घूमने चलेंगे। ओके चलो जल्दी से चलते हैं, मैं आपको अभी सीधा एयरपोर्ट में मिलता हूँ, क्योंकि हमें पैकिंग करना है थोड़ा बहुत, इसलिए चलो अभी मैं आपको एयरपोर्ट में मिलता हूँ। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट, मतलब बहुत भीड़ था। T1 है ना, तो मामा जो है उन्होंने बोला, वो भी गए थे शिमला, तो उन्होंने बोला कि T1 पे बहुत भीड़ होता है। तो हमें लग गया हाफ एन आवर 45 मिनट चला क्या ऑलमोस्ट। तो अभी जल्दी से चलते हैं, अभी हमें ढूंढना, अभी ईशु को देखते हैं। और कुछ ईशु को तो भूख लगी, वैसे देखते हैं अगर कोई फूड कोर्ट टाइप मिलता है, वैसे है नहीं। तो चलो देखते हैं अभी, और ढूंढना भी है, गेट भी ढूंढना। 5 भी आई थिंक सो पास ही होगा, और ये सबसे पहला आई थिंक सो है जो IGI एयरपोर्ट में बना है। चलो जल्दी से चलते अभी ढूंढते हैं। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं नीचे, यहाँ पे टर्मिनल 1 पे हमारा है 5-1। तो ईशु को यहाँ पे भूख लगी, लेकिन कुछ है नहीं यहाँ पे एज यूजल। पता नहीं T1 पे कुछ नहीं है क्यों है। अभी T2 T3 पे तो है। अभी हमारा फ्लाइट 10:45 को, अभी 9:46 हो चुका है। जल्दी से दिखाते हैं क्या होता है, कुछ होता है नहीं, क्योंकि कुछ है नहीं करने को। अभी हमें बैठना है यार, डिपार्चर 10 o'clock को है शायद, इसलिए हमें तब तक बैठना ही है, तो बैठे रहते हैं, कुछ है भी नहीं बस। अभी चलो देखते हैं, अगर कुछ मिलेगा तो हम लोग ईशु को खिला देंगे, वरना फ्लाइट में ही हमने बुक करके रखा पहले से, तो उधर ही वो खा लेगी। वरना हम लोग फ्लाइट में आ चुके हैं, बोर्डिंग में दिक्कत हुआ थोड़ा सा क्योंकि बहुत भीड़ था, इसलिए अभी अभी ईशु को विंडो सीट पर बैठ गई है। कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही बैठा हुआ हूँ तो मुझे कुछ इतना है नहीं। तो अभी जल्दी से हम लोग लैंड हो जाए और मुंबई पहुँच जाए, फिर मैं आपको मिलता हूँ। डिपार्चर टाइम 10:45 का भी हो चुका है, 11:30 हमें एक और प्लेन लैंड हुआ, पता नहीं क्या हो रहा है, अभी देखते हैं क्या होता है। अभी फाइनली टेक ऑफ होने वाला है, जल्दी से टेक ऑफ हो जाए बस। Thank you.
7 हो चुका है और अभी हम लोग आए हैं घर, मैं दो बार पता नहीं बोल चुका हूँ। तो एक्चुअली क्या हुआ ना, हम लोग अकबर कैब लिए, तो जब से ये एयरपोर्ट चेंज हुआ है ना और ये जैसे प्राइवेट कंपनी के हाथ में गया है, तब से मतलब फीस इतना बढ़ा दिया है। पहले हम लोग जो आए थे ना, मतलब पहले बहुत पहले, तो हम लोगों का 1100 रुपीज लगा था मतलब एयरपोर्ट से घर आने के लिए, अभी 1100 हो गया, सॉरी 1500 हो गया, पता नहीं इतना महंगा कैसे हो गया। और हम लोग फिर आए, फिर ये सब वो सब बहुत हो गया। और हमारा टैक्सी ड्राइवर बता रहा था इतना जो बड़ा होता है, जैसे एक अब काउंटर में मालूम होगा कितना बड़ा होता है, उसका पहले 12 लाख था तो अभी 22 लाख कर दिया है, मतलब कुछ भी मतलब बहुत। और अगर आप बाहर का पानी खरीदोगे 20 रुपीज़ में मिलेगा और यहाँ पर अभी आपको 60 रुपीज़ में मिलेगा, मतलब क्या सीन है इनका मुझे कुछ नहीं पता। और यहाँ पे इशू आईपैड भी ड्राइंग कर रही अभी, और उसका तो पेन अभी मतलब ये जो है पेन चार्ज नहीं था तो मैंने चार्जर में लगा दिया है। तो अभी जल्दी से हम लोग अभी बहुत थके हुए तो थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, खाना पीना खा के सो जाएंगे जल्दी ही। तो चलो भाई, इस ब्लॉग को मैं यही पैंट रखता हूँ, मिलता हूँ आपको अपने ब्लॉग में, टिल देन गुड बाय।